गरीब नवाज सतगुरु दे पावन गोद विच बैठी गुरसिख साध संगत हाजरी दर प्रवान करनी जी फतेह दा योग उत्तर दे खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा मजमून प्रारंभ करन तो पहला मैं सारी साध संगत दा अति धन्नवादी हाँ कि मेरी 5-6 दिन की गैर हाजरी विच तो सारिया ने रल मिल के मेरे इन्हां साथी वीरां पासों बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल सिख इतिहास सरवण किया है। उन्होंने अपने वेतन सार सेवा की है
पर फिर भी जथा तो जथा ही हुंदा है। मैं इन्हां दा भी शुक्रगुजार हाँ कि मेरी गैर हाजरी विच इन्हां ने संगतां विच अपनी हाजरी जरूर लवाई है। कृपा करे सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां दे वीरां दे सिर ते भी मेहर भरे हाथ रखे अते आप नूं भी बल बख्शे और इस तरह गुरु घर की श्रद्धा ते सत्कार नाल सेवा भी करिए और सिख इतिहास सरवण करके लाह प्राप्त करिए। सत्कारियो खालसा जी, जिहड़ा तुसां हुणे सवैया सरवण कीता है उहदे विच इक तुक बड़ी काबले गौर है। वैसे तो सारी बाणी अमृत है, मिश्री नूं किसे पास्यों भी चखिए वह मिठास देवेगी। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के। दुनिया के बादशाह भी कोई मनुख भावें क्यों ना होन, जे कुदरत ने एक रत्ती पर भी नाम उन्होंने नहीं दिता तो उन्हों की कीमत एक रत्ती भी नहीं। मनुख की कीमत उदों बनती है जदों प्रभु दे लड़ लगता है, जदों परमेश्वर दे प्यार विच जुड़दा है। दुनिया दे अंदर नाम रसीए लोकां दा सत्कार है, लोग उन्हां दी पूजा करदे ने, उन्हां दा सत्कार करदे हन और बड़ा माण करदे हन ते उन्हां दे चले जाण पिछों उन्हां दीआं यादगारां मनाउंदे हन जिन्हां दे कोल इक किणका भी नाम दा सी। तो वह बादशाह जो दुनिया विच आए, सोने दे शतर चलाए, ऐश्वर्य कायम किया, वड़ियां वड़ियां सल्तनतां कायम कीतियां, पर जदों तुर गए नामो निशान मिट गया। जिनके सिर पर था शतरे जरी, तुरबत पे ना उनकी शामियाना देखा। जिन्हां दे सिरां उत्ते सोने दे शतर झुलदे सन, उन्हां दीआं कबरां उत्ते किसे निशान तक भी नहीं कीते। तो साढ़े नाल भी बहुत कुछ इस तरह का बीतया, पर असा तो बड़ी मेहनत करके, बड़ा यतन करके एक राज कायम किया, खालसा राज। खालसा जी, इतने मैं कुछ शब्द कहने चाहता हाँ, खिमा करना। मैं पहले दिन स्टेज तो बोलदिया कहा सी, मनुख विच कुछ गुण होंदे हन, कुछ अवगुण होंदे हन, बंदा इन्हां दोवां चीज़ां दा सुमेल है। जिहदे च गुण बहुते हन उहनूं असीं गुणी कहिंदे हां, जिहदे च अवगुण बहुते हां उहनूं असीं पापी भी कह दिंदे हां। लेकिन हुंदे हर बंदे विच गुण भी हन, अवगुण भी हन। महाराजा रणजीत सिंह उत्ते टीका टिप्पणी करन वाले बहुत सारे लोग एक गल नूं अपने दिमाग विच थां नहीं दिंदे कि अज साहिब गुरु नानक देव महाराज जी नूं इस संसार विच आया 500 साल तो कुछ वध समा होया। सिख धर्म की उम्र को बहुत ही लंबी नहीं, और इस दौरान विच असां एक बादशाह कायम कीता, एक सारी कौम का जोर लग्या, कुरबानियां दित्तियां, जंग लड़े, जंगलों में अपनियां रातां गुजारियां, घोड़े दीआं काठियां ते सौंदे रहे साडे बजुर्ग, ते नतीजा निकलिया असीं एक बादशाह कायम कीता। तो बादशाह कल्या सिखां दा नहीं सी, सारे पंजाबियों का सी। उहदी रियाया की हिंदू नहीं सन, कि मुसलमान उहदी रियाया नहीं सन, कि एक पंजाब का बादशाह होने के नाते भावें सिख ही क्यों ना होवे, उहदा फर्ज नहीं कि वह हिंदुआं ते मुसलमानां दे भी उन्हां दे जिहड़े हन लोड जो उन्हां दी बनदी है, जो उनका हक मंजर उन्हें देवे। और अज इस गल नूं नज़रअंदाज करके कोई उहदे विआहां दी गल करदा है, कोई उहदे कोई होर, कोई दुनिया भर दा इल्ज़ाम नहीं जिहड़ा महाराजा रणजीत लोग नहीं दिंदे, ते दिंदे उह ने जिन्होंने आप कख नहीं कीता जिंदगी। शेरे पंजाब ने 40 साल राज दित्ता है, जे शेरे पंजाब भी साडे कोल ना होवे ते साडे कोल है की है। जे रणजीत सिंह दा राज ना हुंदा तां असीं किवें कह सकदे सां दुनिया नूं, पैसे भी कदे शहनशाह रहे हां। चलो असी ना सही,
किधरन सुल्तान बोध वाली गल तो है ही है ना कि साडा भी कोई शहनशाह। इस वास्ते सत्कारयोग खालसा जी, महाराजा रणजीत सिंह कोई ग्रंथी नहीं सी, किसे काल तख्त का जथेदार नहीं सी, वह बादशाह सी। तुम इसे नज़र च वेखना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि उन्हें इस अपनी सरकार नूं कदे अपनी सरकार नहीं सी कहा। याद है रणजीत सिंह ने ना रखिया सी अपनी सरकार का सरकारे खालसा। शेरे पंजाब ने कदे सिर ते कलगी नहीं लाई, शेरे पंजाब कदे तख्त ते नहीं बैठा, शेरे पंजाब ने अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया, अपनी बादशाही की मोहर नहीं बनाई। और जे दस्तखत करता सी ते लिखता सी अकाल सहाय, थले लिखता सी रणजीत सिंह। इन्ना कुछ काफ़ी नहीं? केड़े सिख ने अज की दुनिया में इस दुखी कौम वास्ते कुछ किया है? तुसी अज की अकाली लीडरशिप वाल वेखो, को है तवक्को तुहानू, कोई उम्मीद है कि यह कदे कौम की विगड़ी सवारन वास्ते कोई यतन करनगे? इन्हां दा तां आपो विच ही सूट नहीं आउंदा, इन्हां ने कौम का की सवार। तो खैर मैं इस बन्ने नूं ना जांदा होया गल कहिंदा हाँ कि रणजीत सिंह विच गुण सन, अवगुण भी सन। आपां गल गुणा की करनी है, सांझ कीचे गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए। कोई दूर की गल नहीं देश अंदर, कदे असी भी होंदे सां शान वाले। कदे मिसलां दा पीरियड पढ़ के वेखो, बाबा बंदा सिंह तो पिछों ते महाराजा रणजीत सिंह दे समें दे दरम्यानी इस पीरियड नूं पढ़ो, जिन्हों 11 मिसलां जां 12 मिसलां दा समां कहिंदे आ। क्षमा करना दुखी दिल नाल कहिंदा, वो कोई इतिहास साडे मान योग इतिहास नहीं। मिसलां आपो च लड़दियां रहियां, एक दूजे का कतल करते रहे, एक दूजे दे इलाके खोहंदे रहे। कोई मान वड्याई वाली नहीं, सवाए इस तो कि जदों कदे अहमद शाह अब्दाली चढ़ के आया उदों जरूर कट्ठे होके उहदे नाल लड़ पैंदे रहे। एक वड्याई की गल है ते बाकी कुछ भी नहीं जिहदे उत्ते असीं माण कर सकीए। इत्थे रणजीत सिंह नूं तौफीक है कि उन्हें इस खिले हुए मणके नूं कट्ठा करके एक माला बनाई, उसने राजपाठ कायम किया। जे वह ना हुंदा सानूं आज शब्द नहीं सी कहने पैने। कोई दूर की गल नहीं देश अंदर, कदे असीं भी हुंदे सां शान वाले। असीं पंजां दरियावां दे बादशाह सां, ताज तख्त वाले, अण खान वाले। साडे सिरां ते कलगियां सोंदियां सन, सानूं न्यौंदे सन कई गुमान वाले। साडे बादशाही कौमी निशान अगे भेटा धरदे सन निशान वाले, बिना पुछिया इधर ना झाकदे सन साडे सिरां ते हुक्म चलाउण वाले। कौन जाणदा सी रुलदे फिरनगे ये अपने ताज विच हीरे हंडाण वाले। शीतल हाल फकीरां दे नजर आउंदे, ताज तख्त निशान कृपान वाले। कदे असी इस देश दे बादशाह सां, जिउंदा रहो आकड़ सान आकड़ खान साडे कदमी चुकदे सी। ओ गजनी काबल कंधार ईरानियां दे साडा नां लेके सा सुकदे सी। ਫਤਿਹ ਚੁਗਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੀ ਆਪ ਗਵਾ ਸਾਡਾ। ਜਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਰਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੇ ਬੰਦ ਸਾਂ ਚੰਨ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੇ ਚੁਲਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਜਮਰੋਦ ਤੇ। ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਜ ਵਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋਧ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਦ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਭੋਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
आओ अंदर चल के वेखिए की हो रहा है। राजा ध्यान सिंह ने पलंग दे उत्ते पाए हुए कमर नू रस्सियां नाल बन्न लिया कि दौड़ न सके, उठ न सके, वावेला ना कर सके, विरोधता ना कर सके। पांच सेर दा पत्थर लेके सराहने खलो के राजा ध्यान सिंह ने तरले लेंदे हुए कमर नौ निहाल सिंह दे सिर विच जोर नाल मारिया। यानी शेरे पंजाब दीयां नेकियां दा अज ध्यान सिंह ने मुल तार दिता। तीन तीन रुपये महीने ते तनखाह ते डोगरे खालसा फौज दी खालसा राज दी नौकरी विच आए ते अज नीचों ऊच करन दा महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे नू मार के इन्हां ने जाणियो अपने चित्तों बदला उतार दिता। सत्कारयोग खालसा जी कंवर साहब इस जान फानी तों कूच कर गए। क्या कहिए, एक चाक हो तो सीलू हमदम गरीबा, अपना जालम ने फाह डाला है तार तार करके। कंवर साहब आए संसार विच तुर गए। हुण राजा ध्यान सिंह सोचता है कि कंवर साहब की मौत नूं कुछ दिनों तक लुकाया किवें जावे। जर्मन दे रहण वाला डॉक्टर होनिंग बर्गर, उहदा पूरा नाम सी डॉक्टर जॉहन मार्टन होनिंग बर्गर, ये महाराजा रणजीत सिंह का फिजिकल अटेंडेंट सी। उन्हें बुलाया राजा ध्यान सिंह ने, कमरा विखाया जिहदे कमर नूं निहाल सिंह मोए पए सन, सिर फटिया होया सी, जिस बिस्तरे उत्ते लाश पई सी उत्ते खून दे छप्पड़ सन। वेख के डॉक्टर होनिक बर्गर दीयां चीकां निकल गईं, क्योंकि डॉक्टर होनिक बर्गर छोटे जे कमर नूं निहाल सिंह नूं पढ़ाउंदा रहा, उहदा टीचर सी, उहनूं जर्मन फ्रेंच ते अंग्रेजी पढ़ाउंदा सी। जदों बादशाह बनिया डॉक्टर होनिक बर्गर नूं इहदा क्रेडिट जांदा सी ते उहदा इक लायक विद्यार्थी अज पंजाब दा शहनशाह। जदों उसनूं इस हालत विच मोए पै नूं वेख्या, 19 साल 7 महीने ते 27 दिन दी उम्र कमर नौ निहाल सिंह दी, जिस दिन उह डोगरियां दे हत्थों मारिया गया, वेख के वापस गया डॉक्टर होनिक बर्गर। जदों उस महल चों बाहर निकलिया उस पिछों आवाज़ मारी, राजा ध्यान सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब जरा जबान बंद रखनी, मैं नहीं चाहता थोड़े मूँह एक खबर निकले लोगों विच पे कंवर साहब जड़े ने दुनिया च नहीं रहे। बेचारा विदेशी डॉक्टर जालम राजा ध्यान सिंह के हुक्म नूं किवें मोड़ सकदा सी। उन्हें हां विच सिर हिलाया, उहदा भाव सी कि नहीं बोलांगा, ये जबाने जबां बंदी बजा है बजा मुमकिन, लेकिन खामोशी भी जबान बनकर कभी बोल सकती है। जरूरी नहीं कि जबान ही कुछ कहे, अखां भी कह जांदियां ने, मूँह भी कह दिंदा है, हाथ भी दस दिंदे ने। वापस जा रहा है, पिछों फिर आवाज़ मारी, डॉक्टर साहब कंवर नौ निहाल सिंह मुर्गे की तरी मंगदे ने, दे दित्ती जावे। एडा वड्डा मजाक कदे किसे मरे हुए बंदे नाल कोई बंदा करदा है? हाँ, राजा ध्यान सिंह कर सकदा सी, तो उसने कीता। जिसनूं अपने हत्थी मारिया है उहदे मुतालिक आवाज दे के कह रहा है कि कंवर साहब मुर्गे की तरी मंग लो, इस तों वड्डा पत्थर दिल होर की हो सकदा है? 2 कदम डॉक्टर होनिक बर्गर ने पुटे ते फिर आवाज दिती कि राजा जी हुण तरी छकाउण दी लोड़ नहीं, हुण साबत मुर्गा ही दे दिओ, छक लैणगे। इहदे कुझ अर्थ निकलदे ने, इहदा कोई मतलब सी। डॉक्टर होनिक बर्गर इन्ना दिल टुट गया उसका कि कुछ दिनों विच ही वह अपनी नौकरी छड के पंजाब विचों वापस अपने देश में चला गया, और जाके टुटे हुए दिल नाल होनिक बर्गर की मौत हुई। कंवर साहब की मौत की खबर अगले दिन राणी चंद कौर कोल, कंवर साहब की माता कोल राजा ध्यान सिंह ने जाके कोल बैठ के मगरमच्छ के हंजू केरदियां कहा, राणी जी मैनू बड़ा अफसोस है कि मैं तुहानू अज एक बड़ी मारू खबर दसण वास्ते आया हाँ। मां का दिल बोलिया, उन्हें कहा, ध्यान सिंह तू अज दसण आया? इस तत्ती मां नूं ते उदों ही पता है जदों तू कंवर साहब दे सिर विच पत्थर मारिया सी, ओह मेरे कलेजे ते वजा
जब मैं बाहर दरवाजे ते अपनी नूह नू लेके लोहे दे किल्लां ते हथ मार मार के लहू कढ रही सां अपने हथां विचों, उदों मेरा अंदर बोलिया सी चंद कोरे तेरा पुत्तर नहीं रहा दुनिया, तू अज दसण आया तत्ती मां नू ते कल दा ही पता है, हुण की चाहुंदा है। राजा ध्यान सिंह ने कहा, महाराणी साहिबा हुण होर तां कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक गल है, जे तुसी एक दो दिन होर खामोश रहो, कमर साहब दे मारे जाण दी खबर लोकां विच ना लियाओ, मैं तुहानू पंजाब दा राज लैके दे सकदा। कोई मां इहो जिहा सौदा करन वास्ते तैयार है? दुनिया की कोई औरत जो अपने पुत्र दे मरे हुए शरीर दे उत्ते बैठ के तख्त दा राज संभाले? नहीं। पर चंद कौर नू पता सी कि सवाए इस तो कि मैं अपनी जबान बंद रखा, मैं होर कुछ नहीं कर सकती। विचारी अबला कदे पंजाब की महाराणी सी, अज वह ध्यान सिंह दे हत्थां विच मजबूर। मजबूर मां ने अपने दिल दे हंजू जो वो अंदर वग रहे सन खामोश सन लुका लए, ते राजा ध्यान सिंह नू आख्या, ध्यान सिंह आ जो कुछ भी तू कर रहे हैं उहदे जो कोई नेकी है ना साडे लई जिहड़ी तू कर रहे हैं करी चल। एक एक खामोश हो गए। तीजा दिन चढ़िया, राजा ध्यान सिंह ने कंवर शेर सिंह नू बटाले विच दो तेज घोड़सवार दौड़ाए कि वह जाके कंवर शेर सिंह नू दसण कि कंवर नौ निहाल सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। वो जल्दी तो जल्दी लाहौर पहुंचे। इतने आया अगला प्रोग्राम वो तय किया जाएगा। तिना दिन पिछों उस बादल नसीब कंवर नौ निहाल सिंह की मौत की खबर बठाले में कंवर शेर सिंह क्यों पहुंचाई गई।
8 सितंबर 1840 ईस्वी नूं कंवर साहब नूं मरिया 3 दिन हो गए थे। शेर सिंह बटाले तो आया और उसने आके लोगों नूं दस्या कि कंवर नौ निहाल सिंह मारे गए हैं। सारे शहर में हाहाकार मच गई। कंवर नौ निहाल सिंह बारे इतिहासकारां दी बड़ी उची राय है। कनिंगम लिखता है कि जे किते कंवर नौ निहाल सिंह नूं उम्र साथ दिंदी तां उहदे कोल सिंध तों लैके अफगानिस्तान तक और हिंदू कुछ तक विशाल इलाका पिया सी जितण लई, और वह इन्हां इलाकियां नूं जित के खालसा राज दीआं हद्दां नूं बड़ी दूर तक वधा दिंदा। और पंजाब दे जागे हुए लोग इस गल ते माण करदे कि पंजाबियों ने अहमद शाह अब्दाली दे हमलिया का गिण गिण के बदला ले लिया। कनिंगम कहिंदा जे अंग्रेज़ां की डिप्लोमेसी कंवर साहब नूं बेवकत संसार चों तुर जाण लई रस्ता ना अख्तियार करदी तां कंवर साहब हरमन प्यारे आगू हुंदे। इत्थों तक भी कहिंदा कि जे कदे महाराजा रणजीत सिंह दे और कंवर नौ निहाल सिंह दे दरमियान खड़क सिंह ना हुंदा सिखां दा राज पंजाबियों कोलों ना जांदा। उहदियां नज़रां विच कंवर नौ निहाल सिंह बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर सी, योग प्रबंधक सी, ओ वधिया सिपाही सी, सिख फौजां विच हरमन प्यारा सी, रोज़ कवैद आप वेखदा सी, वड्डे फैसले दरबार विच आप करदा सी, और उसकी योग्यता के सामने सिख दरबारी सिर झुका के बैठे होंगे सन कि कंवर नौ निहाल सिंह अपनी उम्र नालों कितने सियाणा हुक्मरान है। लेकिन कुदरत ने हीरा पंजाबियों को खो लिया। एक दो दिन सोग मनाया गया, फिर दरबार सद्या, सरदार वड़े वड़े जरनैल उस दरबार में शामिल होए, अमीर वजीर बैठे। फैसला इस गलते होण लगा कि हुण पंजाब का बादशाह कौन बने। शेर सिंह वालों एक बंदे ने उठ के आख्या, असीं चाहुंदे हाँ महाराजा रणजीत सिंह दा खड़क सिंह तो छोटा पुत्र शेर सिंह है, क्योंकि कंवर नौ निहाल सिंह बे औलाद मरिया है, इस वास्ते हुण तख्त उत्ते शेर सिंह दा हक बनदा। दरबार विच इस विचार नूं सुनिया गया, बहुत सारे ने इस विचार नूं प्रवान भी किया। मिस्टर क्लार्क रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ा उस वेले लाहौर विच मौजूद सी, उसने भी दरबार में कहा कि मैं अपनी कंपनी वालों अनाउंस करता हाँ कि असी पंजाब विच एक तकड़ी हुकूमत चाहते हाँ। उहदा अर्थ यह सी कि मैं शेर सिंह नूं बादशाह प्रवान करदा। इहदे नाल शेर सिंह की काफ़ी हमायत हो गई, क्योंकि उदों ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा बोलबाला सी हिंदुस्तान विच। इहदी राजनीति उत्ते ईस्ट इंडिया कंपनी की छाप लगी हुई। दूसरे बन्ने संधां वाली सरदार महाराणी चंद कौर के तरसदार बने, और महाराणी चंद कौर नूं कहा, महाराणी तुसीं भी कुछ कहो, तुहाडी की राय है। महाराणी चंद कौर ने कहा, मैं सिख राज दे थम सरदारां दे सामने बयान करदी हाँ कि मेरा पुत्र कंवर नौ निहाल सिंह बे औलाद नहीं मरिया। उहदी सुपत्नी बीबी नानकी सरदार श्याम सिंह अटारी की सपुत्री उहदे बाल होण वाला है, कुछ दिनों तक वो बच्चा होगा, और विरासत के कानून मुताबिक जे वो लड़का पैदा होंदा है अपने बाप यानी कंवर नौ निहाल सिंह के तखत का वारस वह होगा। इस वास्ते जिन्ना चिर तक वो बच्चा पैदा नहीं होंदा उन्ना चिर तक ये तख्त राखवा रखा जाए। जे वो लड़का होया तखत का जायज वारस, जे लड़की होई मैनू कोई इतराज नहीं, जो सरदार फैसला करनगे मैनू प्रवान है। ये सुनदे सार संधां वाली सरदारां दा पक्ष वेख के डोगरियां ने सोचा कि महाराणी चंद कौर दा धड़ा भारा हो रहा है। राजा गुलाब सिंह भी महाराणी चंद कौर दे धड़े खड़ो गया। राजा ध्यान सिंह शेर सिंह वल, हीरा सिंह तरफैन, ये सी डोगरियां दी नीति। धड़ा कोई जिते, राजा कोई होवे, बादशाह कोई बने, डोगरे अगे दे अगे रहन। जे चंद कौर नूं तख्त मिल जाए
ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੀਰੂ ਵਾਂਗੂ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣੇਗੀ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਧੜਾ ਭਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਖਬਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਡੋਗਰੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਬਟਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵਕਤ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਏ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲਜੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਂ ਵਾਜੀਏ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਟਾਲੇ ਜਗੀਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੂਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਂਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਡੋਗਰੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤੂਤ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਬਗਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਨੇ ਕੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਥਾ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਦੁੱਧ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਰਤ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਤਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਖ ਧੁੱਖੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ, 5 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਕਿਆ, 5 ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਵੀਟਾ ਬੇਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 101 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
एक मने कंवर शेर सिंह 50-60 हजार फौज लेके 14 जनवरी 1841 ईस्वी नूं दिन दे चढ़ा नाल लाहौर शहर उत्ते हमलावर होया। तीन दरवाजे यकी दहली ते टकसाली इन्हां तिना दरवाजिया थानी शेर सिंह दीआं फौजां लाहौर शहर विच वड़ गई। आप उसने हजूरी बाग उत्ते कब्जा कर लिया। उत्थे राजा गुलाब सिंह दा समाने जंग बहुत सारा पिया सी, वो शेर सिंह ने उहदे उत्ते कब्जा कर लिया। सामने बादशाह मस्जिद है जिहड़ी औरंगजेब ने बनवाई सी, उहदे मनारियां उत्ते तोपां चाढ़ दित्तियां ताकि उच्चे थां उत्तों किले के अंदर फायर किया जा सके। अंदर महाराणी चंद कौर, राजा गुलाब सिंह ते उहदियां हमायती फौजां, बाहर शेर सिंह की 50-60 हजार फौज 14 जनवरी 1841 के खूनी दिन लड़न वास्ते मैदान में आए। आ जिहड़ी वार मैं तुहानूं सुणाउण लगा ये मैं लाहौर के शाही किले में बह के लिखी है। कुछ चीज़ां उत्थों लिखिया सन, दर्द विच भिज के अपनी कौम के इतिहास को पढ़ के अथरू किरदे होया मैं शब्द लिखे सन, तो इसका काफिया बड़ा तंग जिहा मैं रख लिया। सतगुरु ने रहमत की सिरे चढ़ गया। वार का आखिरी काफिया का आखिरी अखर सस्ता है तो ये उत्ते सिलैक्शन करके मैं वार दियाँ 8 लाइना लिखिया ने, 10 लाइना लिखिया ने और तकरीबन 8-10 लाइना की ढाडी वार होंदी है। सरवण करना, मारू जंग का दुपासियों वजिया मौत सिरां ते खलोती हसे। ढाडी दुनिया में अज भी मेरी इस वार नूं मास्टर पीस कह के पंजाब दे ढाडी गाउंदे ने। आप सरवण करो, तुहानूं पेश तुहाडे सामने वार पेश करन दी खुशी ले रहे हैं। Thank you.
ਕੌਦੇ ਨਸੀਬੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਸਾਂਣ ਬਣ ਬਸੇ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਜ ਉੱਡਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਸੇ जनवरी तो लैके 18 जनवरी तक 5 दिन खूनी लड़ाई हुई और इस लड़ाई का सिट्टा बड़ा भयानक निकलिया। 4786 सिपाही कंवर शेर सिंह दे शहीद होए मारे गए। 610 घोड़े 320 बल्द शेर सिंह दियां फौजां विचों गोली का निशाना बने। खालसा राज दियां लड़ाइयां पढ़दा हाँ जिहड़ियां महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त विच होईयां। किसे वड्डी तो वड्डी लड़ाई विच भी खालसा फौजां दा इन्ना नुकसान नहीं होया जिन्ना शेर सिंह ते महाराणी चंद कौर दी लड़ाई विच सिख फौजां दा होया। किले दा नुकसान जिहड़ियां महाराणी चंद कौर दियां हमायती फौजां सन उहनां विचों 130 बंदे मारे गए क्योंकि लाहौर के किले दियां दीवारां दे ओले होके वह बचते रहे गोलियां। फायरिंग दे नाल शेर सिंह दियां तोपां ने किले की कंध विच पाड़ पा दिता। मैं वार की अंतम लाइन लिखी है, बेड़ी डोबी कुलवंत सिंह चातरा होई छाननी किले की कंध दसे। कदे इन्हां किलियां की राखी वास्ते खालसा तलवारां खड़कदियां रहियां, अज खालसाई तोपां अपने किले नूं ढाउण वास्ते तत्पर सन। 18 जनवरी 1841 ईस्वी नूं राजा ध्यान सिंह जम्मू तो आया। उन्हें दोवां धिरां दी उन्होंने सुलह करवाई और उस सुलहनामे उत्ते दोवां धिरां ने दस्तखत कीते। सुलह दियां 4 शर्तां सन। पहली शर्त अनुसार महाराणी चंद कौर पंजाब दे तख्त दे सारे हक छड़ दी। इहदे इवज़ विच खालसा दरबार वालों महाराणी चंद कौर नूं 9 लख रुपये की सालाना जागीर
जम्मू के नेड़े दिती जाती है। तो इस शर्त भी अंदराज सी कि एदा मुख प्रबंधक राजा गुलाब सिंह डोगरा होवेगा। तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि सारे पंजाब के उपजाऊ जिले लाहौर जिला, जिला अमृतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, इन्हां दी जमीन बाकी दे पंजाब नालों काफी उपजाऊ मनी गई। महाराणी चंद कौर नूं इत्थे जागीर नहीं दित्ती, जम्मू भी जाके जागीर दित्ती। मतलब बड़ा साफ है कि वह सारी जागीर डोगरे खाना चाहते सन। गुलाब सिंह ने मुख्तियारी दे अपने नाँ के उत्ते यह लिखवा ली शर्त विच कि राजा गुलाब सिंह इहदा मुख प्रबंधक होवेगा जागीर का। शर्त नंबर दो कि डोगरा फौजां जिहड़ियां हमायती फौजां ने महाराणी चंद कौर दियां, वह किले विचों जित दे नगारे वजाउंदियां होईयां बाहर जाणगियां, बाहरों उन्हां ते हमला ना किया जाए। यानी डोगरियां ने 9 लाख रुपये की जागीर भी हासिल कर ली महाराणी चंद कौर दे मसनूई ना थले, और अपनिया फौजां भी बचा लिया। बई किहो जी जित सी जिहदी खातर लड़े हन वह लाहौर के किले के अंदरली फौज ते उहदे सिपाही उहदे जरनैल महाराणी चंद कौर लई लड़े ना, ते महाराणी चंद कौर को ताकत खो लिया, उन्हां दी जित दा की अर्थ है? लेकिन डोगरियां दी पॉलिसी दी जित सी, मनना चाहीदा है, मनना पैंदा है। तीसरी शर्त के बड़ी अजीब शर्त है जिहड़ी कदे दुनिया के किसी भी राजनीतिक सुलहनामे विच कदे शर्त नहीं तुसी पढ़ोगे, वह ये सी कि महाराजा शेर सिंह महाराणी चंद कौर नाल विआह नहीं करेगा। यह राजनीतिक शर्त नहीं, यह डोगरा डिप्लोमेसी की जित कही जा सकती। नहीं तो इस गल का राजनीति नाल की संबंध है? यह भी शर्त लिख ली गई। आखिरी शर्त चौथी कि यह तीन शर्त उतलियां जो हैं उसकी जामनी शेर सिंह देवे। तो शेर सिंह ने तख्त हासिल करने वास्ते इन्हां तिना शर्तों की सामनी भी दे दी कि मैं जिम्मेवार हाँ। 18 जनवरी 1841 ईस्वी में इस सुलहनामे सामने रख के लाहौर के किले का दरवाजा खोलिया गया। गुलाब सिंह दी फौजां जित दे नगारे वजाउंदियां होईयां उस किले विचों बाहर चलिया गई। तख्त महाराजा शेर सिंह के हवाले किया गया। 18 जनवरी में उसका लाहौर उत्ते कब्जा होया। 21 जनवरी में बड़ी धूमधाम उसकी उसनू बादशाही तख्त उत्ते बिठाया गया। 101 तोपां की सलामी दिती गई। 8 दिन तक लाहौर में दीपमाला की गई। हुण शेर सिंह का राज प्रबंध चलेगा, उहदे राज प्रबंध विच की होया उस सिख इतिहास तुहाडे सामने मैं आउंदे एतवार नूं इसे लड़ी नूं इत्थों ही प्रारंभ करांगा। हुण वक्त हो गया खिमां दा जाचक हाँ, हुईयां भुल्लां लई आप कोल खिमां चाहुंदा हाँ। बेअंत माया श्रद्धालुओं वालों अरदास होई। Thank you.
ना छाटे आनंद गुण नादान गुरु गरीब निवाज जी सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਦਾਨਕ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਯੋਗ ਜਦੀ ਕੇ ਸੂਸ ਰਾਜ ਸੁੱਧ ਸਦਾਨਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਪਤੀ ਕੇ ਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਕੇ ਤੰਗ ਚਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪੋ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਲ ਤਰੰਗ ਤੁਰੰਗ ਸਕੂਤ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਗੁਜਾਤ ਨਵਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन गोद में जुड़ बैठी सात संगत हाजरी दर प्रवान होवे फतेह दा योग उतर दे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी अपने उस इतिहासक दिहाड़े की याद मना रहे हैं जिस दिन कलगियां वाले सतगुरु के दर प्रवान होने वास्ते कौम दे महापुरश कौम दे प्यारियां नूं अपने सीस अपनी तली ते रख के अगे वधना पड़ा। विसाखी दा दिहाड़ा सिख कौम दा बर्थडे नेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ द सिख नेशन दुनिया की कोई कौम अजिही नहीं जिहदे पास ए दिन होवे। संसार विच बड़ियां कौमां ने बड़े धर्म हन बड़े मुल्क हन कोई तुहाडे वांगू नहीं कह सकता कि असी अमके दिन फलानी तारीख नूं एक कौम वजों पैदा होए। मुबारक होवे आप इस रस्ते उत्ते जो शहादत दा मार्ग साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने खोलिया 30 मई सन 1606 तो लैके
सही मान्या विच कह दिया तो शायद ठीक होवे, सिख कौम अज तक कतलगाह विच खड़ी है। इहदे विचों कुछ समा असी राज भाग माणिया है, उदों भी खून दियां नदियां वगदियां रहियां हन। असी जिन्हां शहीदां दी याद में जुड़े हाँ उहदा संबंध 1978 ईस्वी की खूनी विसाखी नाल है। वैसे तो समुची कौम ही शहीदां दी कौम है, समुची कौम ही शहीदां दी कौम। इन्हां शहादतां दा मुल सिख कौम दे खुद गर्द आगूआं ने अपनियां तजोरियां पा, इन्नियां वड्डियां कुरबानियां सिख कौम दे राज भाग लई कोई रस्ता साफ कर दिया। सिख कौम की विगड़ी हुई बनाउण विच इह शहादतां काम आउंदियां। माण जरूर करदे आ कौमां नूं अपने शहीदां ते माण हुंदा है, बजा है होना चाहीदा है। जिहड़ी कौम अपने बजुर्गां शहीदां नूं भुल जांदी है दुनिया की चाल नालों पछड़ जांदी। लेकिन हजार अफसोस कि साडियां शहादतां साडी विगड़ी बनाउण विच सहाई ना हो सकियां, अज भी नहीं हो रही। तो कारण खुदगर्ज आगू दुश्मन दे सोने तो विक गए। इकबाल ने बड़ी दुरुस्त गल कही, उन्हें कहा वो बाज जिन्होंने आसमान विच उडारियां लाउणियां हुंदियां हन वो शिकारियां दे पाए हुए दाणियां ते नहीं पलदे। ऐ ताहरे लहूती उस रिजक से मौत अच्छी। ऐ बाज वो खाना ना खाई जिदे नाल तेरी परवाज खत्म हो जाए, तू आसमाना विच उड़ना हुंदा है। ऐ ताहरे लहूती उस रिजक से मौत अच्छी जिस रिजक से आती हो परवाज में कुताही। तेरे खंभ जुड़ जाएंगे जदों तू गैरां दा दाणा चुगना शुरू कर देवेंगा। साडे आगुआ ने ही कुछ अज तक किया। सत्कारियो खालसा जी, बड़े दुख की बात यह है कि साडियां शहादतां राय गां गईयां, साडे इतिहास का अंग जरूर बनिया, लेकिन साडी मंजिल उत्थे दी उत्थे रही। था कोई ना हुंदी गुलामां रहने लई, था कोई ना हुंदी पर गुलामां दे बूटे दी छा कोई ना हुंदी। गुलामां रहने लई था कोई ना हुंदी। गुलामां दे हुंदे ना तीर्थ ना मक्के, गुलामां नूं मिलदे ना दर दर ते तके। गुलामां दे हुंदे ना तीर्थ ना मक्के, हे गुलामां नूं मिलदे ना दर दर ते तके। गुलामां नूं मिलदे ने दर दर ते तके, पर गुलामां दे घर विच आउंदी आजादी। गुलामां दे घर विच आउंदी आजादी, पर पहला गुलामां दी करके बर्बादी। पर पहला गुलामां दी करके बर्बादी। एक प्रश्न है कौम दे सामने, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिख कौम नूं सोचना पवेगा कि इवें ही शहादतां अजाई तुरियां जान गईयां। ये डुलिया होया लहू खालसा कौम नूं तख्तो ताज भी दवा सकेगा कि साडे लई यही बाकी रह गया है
जिन्ना चिर तक असी इस प्रश्न नू हल ना किया उन्ना चिर तक सिख कौम के हीरे कतलगाह विच कतल होंदे चले जाण। माण करदे आ करना चाहिए पर अफसोस जो तूने की दुश्मन भी दुश्मन से नहीं करता है। गलत था जो समझते थे तुझको मेहरबान अपना असा धोखा तो खाद है जिन्होंने असी मित्र समझे वह दुश्मन सन और उन्होंने मित्र बन के जो दुश्मनी की दुश्मन भी साढ़े नाल शायद ना करता। संत जरनैल सिंह होरां दी सज्जी बांह शहीद सुरेंद्र सिंह सोढ़ी उन्हूं कतल करन वास्ते साडी कौम विचों ही बंदे उठे उन्हां दा ईमान खरीदिया गया उन्होंने सिख कौम की बरात का लाड़ा साडे कोल खोले। सत्कारियो खालसा जी विसाखी के दिन खून की होली खेडी गई गोलियां का निशाना बने भाई फौजा सिंह उन्होंने जथे संत जरनैल सिंह होरां जी दमदमी टकसाल दे सिंह लेकिन राज सरकार खालसे का नहीं थी अकाली सरकार का राज। मैं कहना गैरां की सरकार होंगी शायद सानू गिला ना होंदा सरकार श्रोमणी अकाली दल जिहदा अज तक दावा है वह बजोरे बाजू ये जोर नाल उच्ची बांह करके कहिंदे ने कि अकाली दल सिखां दी शहीदां दी जथेबंदी भुलेखा न खाणा। अकाली दल नू कायम करन वाले ननकाणे साहब विच गंडासियां दे गोलियां दे शिकार होण वाले शहीद सिंह वो अकाली होर सन जिहड़ी अज लीडरशिप है तुहाडे कोले वो अकाली नहीं। ये तो केवल लेबल लाई बैठे हैं कि साड़ी कौम शहीदां दी कौम जे शहीदां दी कौम होंदी निरंकारी अमृतसर शहर विच खून दी होली खेड दे। किन्ने अफसोस नाल कहना पैंदा है अज साडियां अखबारां इस सच नू प्रगट करदियां ने कि निरंकारी बचने नू अनूप सिंह दी कार विच पंजाब दे चीफ मिनिस्टर बादल ने अनूप सिंह मिनहास दी कार विच बचने नू दिल्ली पहुंचाया। पढ़ के वेखो अपनी अखबारां अपने प्रेस की रिपोर्ट पढ़ो। तो सत्कारियो खालसा जी क्योंकि मैं कौम का ढाडी होने के नाते बहुत कुछ तो शायद कर नहीं सकता कह ही सकता हाँ कहने तो कदे संकोच नहीं किया। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा नाल जिंदगी दे छे सत्त वरे बिताए उदों भी बुलंद आवाज में कहिंदे सां कौम जिते गलत थी जिते लीडरशिप गलत थी। मैं क्या करता हाँ सरदार शाम सिंह अटारी तो बाद फरवरी 1847 की सभरावां की खूनी जंग तो पिछों सिख आसमान में एक तारा चमकिया सी संत जरनैल सिंह लेकिन वक्त ने याबी ना की थी। समय तो पहला उतर गए खून रंगिया इतिहास दे गए कौम नू जिहदी याद में अज असी सिर झुका के बैठे। आओ जरा कुछ मेरे सिंह साथी उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि वजो कुछ कहना चाहते ने। मैं एक मजमून शुरू किया होया सिख राज किवें गया और महाराजा शेर सिंह के राज भाग तक मैं पहुँच गया हाँ। एक घंटा जथे नू टाइम मिले उहदे चों तकरीबन 20 मिनट बीत गए ने 40 मिनटां विचों जो समा बाकी बचेगा अपनी उस लड़ी नू फिर तुहाडे सामने मैं अपने उस मजमून नू कहना है। आओ शहीद भाई फौजा सिंह जी ते उन्हां साथियों नू जिन्हां ने कौम दी हुंदी बेइज्जती नू बर्दाश्त ना कीता और अपने खून नाल सिख कौम दा नवा कांड लिखिया उन्हां नू श्रद्धांजलि भेंट करिए बेनती कीती।
ਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਜੀ ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਾਰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਚਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਾਰ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮਦੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਤਾਈ ਉਹ ਜਗਾ ਗਿਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਨ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ
उन्हां दे पिछों खालसा राज दी वागडोर महाराजा खड़क सिंह ने संभाली। लेकिन अफसोस 3 महीने 11 दिन राज करन पिछों 8 अक्टूबर 1839 की अद्धी रात नूं महाराजा खड़क सिंह नूं तख्त तों उतार लिया गया और सरदार चेत सिंह बाजवे नूं ध्यान सिंह ने कतल कर दिता। अगले दिन 9 अक्टूबर 1839 नूं खालसा राज की जिम्मेवारी कंवर नौ निहाल सिंह ने संभाली। इस नौजवान ते कौम नूं बड़ियां आसां सन। मैग्रेगर अते कनिंगम वर्गे निरपक्ष इतिहासकार कंवर नौ निहाल सिंह बारे बड़ी उच्ची राय रखते हैं, लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा है 1 साल 27 दिन राज करन पिछों 5 नवंबर 1840 ईस्वी नूं कंवर नौ निहाल सिंह डोगरियां दा शिकार हो गए। जदों अपने सत्कारयोग पिता महाराजा खड़क सिंह दा संस्कार करके लाहौर दे शाही किले वल परत रहे सन, उन्हां दे उत्ते एक वधवा छज्जा इटां दा सुट के उन्हां नूं जख्मी कीता और शाही किले दे अंदर लिजा के ध्यान सिंह ने अपने हाथ नाल उन्हां दे सिर विच पत्थर मार के उन्हां नूं मार दिता। कंवर नौ निहाल सिंह दे मारे जाण पिछों तख्त दी वागडोर कंवर नौ निहाल सिंह दे अनजम्मे बच्चे दे नां उत्ते महाराणी चंद कौर ने संभाली। 2 महीने 9 दिन राज करन पिछों 14 जनवरी 1841 ईस्वी नूं राजा शेर सिंह ने फौजकशी करके लाहौर दे किले उत्तों महाराणी चंद कौर दा झंडा उतार के आप पंजाब दी हकूमत संभाली। 18 जनवरी तो लैके कंवर नौ निहाल सिंह की मौत तो बाद शेर सिंह पंजाब का 21 जनवरी नूं बादशाह बने। 101 तोप की सलामी दी गई और शेर सिंह का पंजाब का महाराजा होने का ऐलान किया गया। बैठा उस तो पहला उन्हां दा हमायती सरदार ज्वाला सिंह जिसने बड़ी मेहनत की महाराणी चंद कौर दे फौजां नूं ज्वाला सिंह ने लिखती मुआहदा किया महाराजा शेर सिंह नाल कि मैं तुहानू राजभाग दवाउण वास्ते मदद करांगा पर एक शर्त उत्ते कि जे तुसी पंजाब दे महाराजा बने ध्यान सिंह नहीं ज्वाला सिंह पंजाब दा मुख्यमंत्री होवेगा। यह शर्त तय हो गई। ज्वाला सिंह ने कोशिश की सिख फौजां महाराजा शेर सिंह नाल जोड़ियां और आखिरकार उसका सिटा निकलिया कि महाराजा शेर सिंह पंजाब का बादशाह बने। हुण मजीर महाराजा शेर सिंह ने ध्यान सिंह नूं बना लिया। नीतिवाना का कोई वादा नहीं हुंदा, कोई इतबार नहीं हुंदा। जिस बंदे ने भी किसी नीतिवान उत्ते भरोसा किया उसने हमेशा धोखा खाधा है। यही धोखा ज्वाला सिंह ने भी खाधा। फैसला सी कि ज्वाला सिंह बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री, लेकिन बनिया राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह ने सोचा कि जे ज्वाला सिंह की गल शेर सिंह नाल लगातार चलती रही मेरे खिलाफ कोई ना कोई बगावत हो सकती है, हो सकता शेर सिंह का किसी वेले मन ज्वाला सिंह ते आ जाए। सरदार ज्वाला सिंह दे मुतलक शेर सिंह नूं उच्चा चुकना शुरू कर दिता राजा ध्यान सिंह ने कि जी ज्वाला सिंह तुहाडे खिलाफ बगावत कर रहे है, तुहाडे खिलाफ फौजां विच प्रचार कर रहे है। ज्वाला सिंह दा जाने खुदा उहदे खिलाफ की कुछ किया जा रहा है। वह सोचता सी तो कोई वक्त आएगा मैं महाराजा शेर सिंह नूं कीता होया ऐदनामा चेते करवा के पंजाब दा मुख्यमंत्री बन जावांगा। एक दिन महाराजा शेर सिंह नूं राजा ध्यान सिंह ने कहा कि मैं तुहानूं अगे भी 2 वार सुना दिता है, शाहदरे की सिख फौनी विच सिख छौनी विच शाहदरे की सरदार ज्वाला सिंह फौजां नूं भड़का के तुहाडे ते हमला करन वाला है। आंदे ने हाकमां दे कन्न कच्चे हुंदे ने, शायद किसी हद तक किसी सियाने ने ठीक ही कहा। शेर सिंह पत्ते ते चढ़ गया राजा ध्यान सिंह दे, उन्हें आख्या हुणे ही हुक्म दिओ उत्थे भेजो सिपाहियां नूं कि ज्वाला
आके महाराजा साहब नूं कहा कि ज्वाला सिंह आउण तों इनकार कर रहे हूँ। जो कुछ ध्यान सिंह ने शेर सिंह नूं पढ़ाया सी उहदी कुछ तस्दीक हो गई। शेर सिंह ने सोचा सचमुच ही ज्वाला सिंह मेरे खिलाफ बगावत करने वास्ते तुलिया होया है। उन्हें कहा एक मौका होर दिओ। फिर सिपाही भेजे कि ज्वाला सिंह नूं हाजरी वास्ते बुलाया जाए। जिहड़े अगे मुड़ के आए सन ये भी मुड़ आए। कड़िया कढ़ाया जो कन्ना विच राजा ध्यान सिंह ने पाया सी इन्होंने लाहौर दरबार विच कहा कि ज्वाला सिंह तो बगावत वास्ते तैयारियां कर रहा, उन्हें नहीं आना। महाराजा शेर सिंह ने हुक्म दिता कि ज्वाला सिंह गिरफ्तार कर लिया जाए। उधरों किसी ने जाके ज्वाला सिंह दस दिता कि शाही दरबार विच तेरे खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म हो गया। ज्वाला सिंह के पैरों थल्यों धरती खिसकी, मूँह में घा लैके सरदार दौड़िया कि वह अपनी सफाई महाराजा शेर सिंह नूं देवे कि ठीक है कि तुसां मैनूं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पंजाब के महाराजे के खिलाफ मैं बगावत करा। राजा ध्यान सिंह नूं पता सी जे ज्वाला सिंह महाराजा शेर सिंह कोल पहुँच गया गल साफ हो जानी। उन्हें अपने बंदे रस्ते विच खड़े किए सन, ज्वाला सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके महाराजा शेर सिंह नूं दसे तो बिना उसनों शेखूपुरे के किले में नज़रबंद कर दिता, अपनी फौज पहरे ते ला दी। जिस सरदार ज्वाला सिंह दीआं मन दीआं तमन्नावां सन कि वह पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, अज वो कैदी है। हुक्म चलता है राजा ध्यान सिंह का, रोटी मिलती है सरदार नूं, उहदे च अद्धा लूण ना सरदार ज्वाला सिंह खा सके ना उहदे तों बिना गुजारा होवे। ते फिर वह दिन आया जिस दिन थम नाल बन के किले दे विच राजा ध्यान सिंह दे हुक्म नाल सरदार ज्वाला सिंह ते कोरड़ियां दी मार पैण लगी। 8-10 दिन लगातार सरदार ज्वाला सिंह नूं टॉर्चर किया जाता रहा ते अंत इसे मारदा मारिया होया सरदार ज्वाला सिंह इस दुनिया चों।
सरदार ज्वाला सिंह की मौत हो गई। उस सरदार की इस मौत उत्ते कोई चार हंजू किरन वाला भी नहीं। कई दिन पिछों एक दिन दरबार में सरदार ज्वाला सिंह की मौत बारे राजा ध्यान सिंह ने महाराजा शेर सिंह नूं दस्या कि महाराजा साहब जी सरदार चेत सिंह शेखूपुरे के किले में कुदरती मौत बीमार होकर मर गए। हकूमत करने वाले कदों यहोजियां गल्लां सोचते ने। शेर सिंह खामोश रहा, राजभाग चलता रहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजमहलां विच बैठे हुए राजा ध्यान सिंह ने महाराजा शेर सिंह नूं कहा कि महाराजा साहब अकाल पुरख का शुक्र है, तुहाडा राजभाग स्थापित हो गया। बगावत जिहड़ी सी उह भी दबा दित्ती गई है। सिख फौजां पूरी तरह तुहाडे कानून विच ने, तुहाडे जबत विच ने, सब कुछ ठीक है। पर इत्थे आके ध्यान सिंह रुक गया। वो जानना चाहुंदा सी कि महाराजा शेर सिंह की उत्सुकता किन्नी है जानने वास्ते पढ़ते की मैंने। उसने पूछा, राजा ध्यान सिंह जी अगली गल भी कहो। उसने कहा, महाराजा साहब कह दिंदा हाँ, पर गल वड्डी है ते मूँह छोटा है। महाराजा शेर सिंह ने कहा, मेरे हुंदियां तेनू कहदा डर है, तू खुल के गल कर। उन्हां दिनां विच हकीकत यह सी कि ज्ञानी गुरमुख सिंह हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब ज्ञानी संत सिंह के सपुत्र जेड़े खालसा दरबार में एक धार्मिक आगू होने की हैसीयत में रहा करते सन, उन्होंने कोशिश की खालसा राज नूं बचाउण दी। ते उन्होंने महाराजा शेर सिंह नूं और महाराणी चंद कौर दोवां नूं वखरियां वखरियां मुलाकातां करके उन्होंने आख्या, खालसा राज एक तरीके नाल बच सकदा है। डोगरियां दे चुंगल विचों महाराजा शेर सिंह निकल सकदा है, बशर्ते के महाराणी चंद कौर ते शेर सिंह आपो विच विआह कर लैन। शेर सिंह महाराजे दी महाराणी चंद कौर भरजाई सी, वड्डे भरा दी इस्त्री, महाराजा खड़क सिंह की सुपत्नी। महाराजा खड़क सिंह महाराजा शेर सिंह का भरा। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने कहा, दोवें ताकतां कट्ठियां हो जाणगियां, डोगरियां दा दा नहीं लगेगा, नहीं तो डोगरे कदे शेर सिंह नूं चुकणगे, कदे महाराणी चंद कौर नूं चुकणगे। और जदों तुसीं दोवें नरदां पाटियां उदों खालसा राज तबाह होएगा। वैसे भी महाराजा शेर सिंह महाराणी चंद कौर का हम उम्र से कोई उन्हों की उम्र का बहुता फर्क नहीं। महाराजा शेर सिंह ने माड़ी जी हामी भरी। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने महाराणी नूं भी मनाउण की कोशिश की चंद कौर नूं। चंद कौर ने कहा कि ज्ञानी जी, मैं इस तुहाडी सलाह उत्ते विचार करांगी, पर अजे कमर नौ निहाल सिंह की मड़ी दे अंगियार भी ठंडे नहीं होए। मेरा इस तरीके नाल महाराजा शेर सिंह नाल विआह करना चंगा नहीं लगेगा, कोई समा दिओ, मैं ते सोच विचार करके तुहानू अपना फैसला देंगी। ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ये सोच के आ गए कि शायद अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यह गल सिरे चढ़ जाए। राजा ध्यान सिंह नूं गल खड़की
उन्हों पता लग्या कि ज्ञानी गुरमुख सिंह एहो जी कोशिशां कर रहे हैं। उन्हें महाराजा शेर सिंह नूं पर कह के गल रोक ली ते अगली गल की कि महाराजा साहब महाराणी चंद कौर तुहाडे खिलाफ सिख सरदारां नूं चुक रही है। और दूसरी सब तो वड्डी वजह यह है कि बीबी नानकी कंवर नौ निहाल सिंह की सुपत्नी जिहड़ी कि सरदार श्याम सिंह अटारी की सुपुत्री है उहदे बाल होण वाला है। महाराजे ने आख्या फिर की है? उन्हें कहा वाह भोले पातशाह, जे बीबी नानकी दे घर विच कोई सुपुत्र पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, जिस तखत ते तुसी बैठे हो इहदा असल विच वारस वो बच्चा होवेगा, क्योंकि तखत कंवर नौ निहाल सिंह दा है ते कंवर नौ निहाल सिंह दा पुत्र उसका विरासत का मालक बनेगा। विरासती कानून यह गल कहिंदी है, यह असूल कहिंदा है। शेर सिंह ने सोचना शुरू किया कि गल ध्यान सिंह की ठीक है। ध्यान सिंह का मतलब शेर सिंह के राज भाग नूं पक्या करना नहीं सी, ध्यान सिंह का मतलब तो खून बहाना सी, ध्यान सिंह का मतलब तो महाराजा रणजीत सिंह की संतान नूं आपो विच विरोध विच खड़े करके एक दूजे कोलों कतल करवाना। तो ध्यान सिंह खालसा राज का हमैती नहीं सी, खालसा राज का सुहिरद नहीं सी। महाराजा शेर सिंह ने आख्या गल तो तेरी ठीक है पर इहदा इलाज की है? राजा ध्यान सिंह ने आख्या राजनीति है कहिंदी है महाराजा साहब, जिन्हें कल नूं उठ के तुहानूं मार देना है उहनूं तुसीं अज मार दिओ, यही एक तरीका है। बीबी नानकी दे बाल नहीं होना चाहिए, इहदे लई कुछ यतन करना चाहिए। राजा ध्यान सिंह ने महाराजा शेर सिंह ने एक पाप की गोंद गूंद ली, गोलियां कट्ठियां कर लिया नौकराणियां बीबी नानकी दी महाराणी चंद कौर दियां, उन्हां नूं लालच दिता कि जे तुसी बीबी नानकी दे बच्चा पैदा जिहड़ा होना है उन्हूं पहला पहला उहदा गर्भ गिरा दिता जाए तुहानूं बहुत वड्डा इनाम दिता जाए। इन्हां पापणां ने कट्ठियां होकर बीबी नानकी नालों वरता करन दा जिहड़ा फैसला किया शेर सिंह ते ध्यान सिंह ने, जो पाप की गोंद गुंदी उहदे बारे ताड़ी जथा कुछ कहेगा, सरवण करो। शेर सिंह ध्यान सिंह दुआर के, शेर सिंह ध्यान सिंह दुआर के, बज के जुल्म कमाया जी, जब
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਂਬਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਘੁਲ ਘੁਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ, ਅਣਜੰਮੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਥੋਲਾ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹਾੜਨਾ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਆਸੋ, ਭਾਗੋ, ਬਦਾਮੋ ਅਤੇ ਪੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੋ